बतलावे मेरे बतलावे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सिटी तहलका परिवार की ओर से आप सभी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं वंदना कादियान। तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। भारत में हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भारत देश को 200 साल बाद अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली थी। देश इस बार स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए जो योगदान दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के कारण ही आज हम आज़ाद हैं। 15 अगस्त 2020 शनिवार को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तो वही इस दिन लाल किले पर बच्चे शामिल होकर कार्यक्रम में उत्साह बढ़ाते हैं और झांकियां भी निकलती है। लेकिन इस साल त्योहारों की तरह स्वतंत्रता दिवस भी अलग तरह से मनाया जाएगा और कारण है कोरोना महामारी। इस साल कोरोना महामारी के चलते बच्चों व बुजुर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से पानीपत जिले में भी कोरोना वायरस महामारी की मार स्वतंत्रता दिवस पर दिखेगी, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवाजी स्टेडियम में केवल 2 प्रस्तुतियां ही होंगी। इसमें एक एकल नृत्य होगा और एक समूह गान होगा। समूह गान में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा और बच्चों को दूर दूर खड़े होकर अन्य माइक दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस परेड, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के बच्चे भी मार्च पोस्ट में भाग लेंगे। मंच पर मुख्य लोग ही उपस्थित होंगे। इसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का संपूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कुर्सियां लगाई जाएंगी और अंत में कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान भी होगा।